देवास जिले की कन्नौज पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर के घर हुई चोरी का कुछ समय में पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट के घर चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि घर में काम करने वाला नौकर ही निकला, जिसने सोने की चेन के साथ 1.5 लाख रुपए पर हाथ साफ किया था। यदि आप घर में नौकर रखने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि घर में काम करने वाले नौकर के बदले में चोर तो नहीं रख रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला देवास जिले कन्नौज में सामने आया है, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर नरसिंह बिंदल के यहाँ काम करने वाले नौकर राम भरोसे गुर्जर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल बिंदल परिवार नेमावर किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, इसी दौरान नौकर ने मौके का फायदा उठाकर सोने की चेन सहित अटैची से 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। घटना की जानकारी बिंदल परिवार के द्वारा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। जब पुलिस ने शंका के आधार पर नौकर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी से सोने की चेन सहित नकदी रुपए बरामद कर लिए गए। कॉन्ट्रैक्टर नरसिंह बिंदल के यहाँ चोरी की सूचना मिली थी कि उनके घर पे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। बिंदल जी सपरिवार नेमावर गए हुए थे, कल कोई उनकी पार्टी थी। जब वो घर लौट के आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि साहब मेरे घर में ताला टूट गया, कोई अज्ञात चोर मेरे घर से चोरी कर 1.5 लाख रुपए करीबन चोरी कर ले गया है और एक जंजीर भी ले गया है सोने की। उक्त सूचना पर मैं टीआई साहब मैं फोर्स के वहाँ पहुँचे। जब घर की हमने लोगों ने तलाशी ली और चारों तरफ से उसका मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया, तो पता लगा कि इस घर का चोरी में किसी नौकर का हाथ है। जब उनके नौकर सागर और राम भरोसे से पूछताछ की तो वो काफ़ी इधर उधर की बातें करने लगा। जब थोड़ी हिकमत अमली से उससे पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने बताया कि जो लोग सब परिवार नेवर गए थे और हमने इनके जो मेन गेट की चाबी थी वो हमने चुरा ली थी, उसमें से हम अंदर गए घर में और लाइट बंद कर दी। जिस कमरे में पैसा रखा था उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है, जब लाइट ऑफ कर देते हो ना तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन काम करना बंद कर देती है कंप्यूटर। ये उसको नौकर को पता था और अटैची उठाई और उसमें करीब 9.5 लाख रुपए थे तो 1.5 लाख रुपए निकाल लिए और बाकी अटैची घर के बाहर फेंक दी, ऐसा उसने बताया। उस पैसे नौकर सागर ने बताया कि 50,000 रुपए तो मैंने सामने रख लिए थे और 1 लाख रुपए हमने राधे श्याम जो सामने दुकान है ना उसको दे दिए थे। दोनों को पकड़ा गया और दोनों से 1.5 लाख रुपए नगद और 1 सोने की चेन बरामद की गई है। आरोपियों को धारा 457 में गिरफ्तार किया गया है और इनको रिमांड लिया जा रहा है कि और पूछताछ चलेगी इनसे कि और कहां कहां इन्होंने चोरियां की हैं। आरोपी नौकर ने 1.5 लाख रुपए चुरा कर 50,000 उसकी बहन और 1 लाख रुपए बिंदल परिवार के सामने रहने वाले राधेश्याम को दिए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज से भरत शर्मा की रिपोर्ट।